अभी अभी अगर हम देखें 80 सीटों के आसपास से रुझान सामने आ चुका है, जिसमें टीएमसी 40 और बीजेपी 39 सीटों पर। रवि पराशर जी आगे चल रही है, बहुत ही हाँ। पोस्टल बैलेट में बहुत ज्यादा काटेगी टक्कर। अश्विनी जी क्या कहेंगे? पहले मैं अश्विनी जी के पास जाना चाहूंगा। अगर रवि जी पहले मैं अश्विनी जी का थोड़ा सा रिएक्शन ले लूं। 39-40 क्या कहेंगे अश्विनी जी? रात की बात है, अच्छा लग रहा सुन के। देखिए ऐसा है, राहत की बात नहीं, ये अपेक्षित परिणाम है हमारे लिए अभी, और अभी तो पोस्टल है। कुछ कहना अभी भी नहीं है क्योंकि पोस्टल बैलेट और अभी तो कई चक्र की मतगणना बाकी है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि बंगाल हमेशा ये माना गया है, कभी उसका मैंडेट जो है फ्रैक्चर नहीं आता है, वो क्लियर ही आता है। तो अब चाहे वो थोड़ी देर बाद देखिएगा, कुछ बेहतर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा थोड़ा सा एक बात पर मैं हमारी जो है मतलब हम उस पर आपसे सहमत नहीं है कि संवेदनशील रही। आपने कहा है कि कांग्रेस जो है संवेदनशीलता दिखाया है, कांग्रेस ने तो कांग्रेस ने सिर्फ बंगाल में संवेदनशीलता दिखाया है, आसाम में दिखाया है, केरल और तमिलनाडु में क्यों नहीं दिखाया है? उसको भी देखना चाहिए। केरल में राहुल गांधी जी ने सभाएं की, तमिलनाडु में सभाएं की, एक सभा बंगाल में करने के बाद, चूंकि उनको वहां पर पता था कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद उन्होंने कोरोना पॉजिटिव आ गए या अपने आप को आइसोलेट कर लिया ये कहते हुए कि हम चुनाव नहीं जाएंगे वहां। तो ये संवेदनशीलता नहीं होती है, संवेदनशीलता दिखानी होती है तो चुनाव आयोग के समक्ष जाने के बाद। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि राजनीति में संवेदनशीलता भी वोटों के हिसाब से तय होती है। राजनीति में संवेदनशीलता ही वोटों के हिसाब से तय होती है। ये हर दल के लिए लागू होता है, किसी एक दल की बात नहीं जी, है। जी, जी। आपने जितना प्रयास पश्चिम बंगाल में किया, शायद आपने उतना प्रयास केरल में नहीं किया। बिल्कुल साफ सी बात है, आपने उतना प्रयास केरल में नहीं किया, आपने उतना प्रयास कुछ और स्टेट्स में नहीं किया, लेकिन जितना प्रयास आपने पूरी ताकत अपनी पश्चिम बंगाल में झोंक दी, तो जाहिर सी बात है आपकी बात बिल्कुल सही है। संवेदनशीलता भी वोटों के हिसाब से तय होती है। जहां पे उसको वोट मिलने की उम्मीद है वहां पे उसने अपना प्रयास किया, जहां उसको कम उम्मीद है वहां पे उसने संवेदनशीलता दिखाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।